हेलो, अब किसका लंच है? मॉइस बिल्कुल ही पॉपकॉर्न जैसी चटक बातें करेंगे आज। नेटफ्लिक्स पे जुलाई में इतना सब कुछ आ रहा है, एटिपिकल का फोर्थ सीजन आ रहा है। ओह माय गॉड, और अच्छा था एटिपिकल। अगर तुम लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा तो तुम लोगों को देखना चाहिए। हां हां, तुमने नेवर हैव आई एवर देखा? हां, हमने साथ में देखा था। इसका भी सीजन 2 आ रहा है। बहुत मीडियोकर बट नाइस फन, एंटरटेनिंग। हां, टाइम पास। ग्रे करके मूवी आई है, वो आज देखते हैं। मनोज बाजपेयी है, वो भी है, अली फजल, के मेनन, हर्षवर्धन कपूर। नाइस स्टार कास्ट। तो टाइम हो रहा है अभी 4 और आज मेरा ब्रेक डे था तो मैं आराम से उठा। इसका मतलब ये है कि क्लियरली मेरे पास कंटेंट है नहीं। और इंडिया में जब तुम्हारे पास कंटेंट नहीं होता तो तुम जो चीज़ करते हो, पहला या तो तुम वीडियो ना डालो, दूसरा स्क्रीन के सामने बैठ के फोकट किसी को दिखा लेना। बट अपने चैनल पे वैसा नहीं होता, अपन फैक्ट्स पे बात करते हैं ना। तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड टू लेट यू नो सम फैक्ट्स अबाउट अस और अबाउट एनी वन हु इज रिवॉल्विंग अराउंड अस। बट इससे पहले ये सारा सब कुछ अपन जोड़ते हुए बैक टू द चैनल ऑफ यूट्यूब। एक महीने पहले, बट क्या पता ये वीडियो शायद यूट्यूब अभी लोगों को रेकमेंड कर रहा है या किसी ने कुछ वीडियो डाला है, मेरे को कोई आइडिया है नहीं इसके बारे में। इसने चेक किया, बोला कि ये अभी अभी आ रहा है, एक दो दिन में डाला। मैंने कहा ठीक है, जब भी अपन तभी करेंगे, अगर अपने पास कॉन्टेंट नहीं रहेगा। क्या हुआ, सीन क्या हुआ, कोई एक गेमिंग चैनल का ओनर है अंतर्यामी करके, उसने 7 महीने पहले मेरे को रोस्ट किया और मैंने उसके ऊपर रिएक्ट। काफ़ी लोग उसमें ऑफेंड हो गए, वही अपन साथ में देखते कितने लोग ऑफेंड हुए, कैसे ऑफेंड हुए। लेकिन मज़ा आएगा, बने रहो, आगे देखते अपन। चलो चालू करें। वो नीचे से के तुम्हारा 10 गुना बन चुका है। अच्छा, तुमने भी चप्पल उठाई। कैसे नीचे से उठ के तबे में रहता है शायद से, क्या पता। वो क्या लगता है कि हम लोग मतलब डायरेक्ट ऊपर से आया? हां, मतलब उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट मुझे गुड वे अगर लिया जाए तो कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक तो सपोर्टर्स उसको सपोर्ट करने जा रहे थे। हाँ, बट गलती से उसने बुराई भी हो गया कहीं पर स्लाइटली। तो आप लगता है अंतर्यामी गेमिंग को जानते ही नहीं हो तभी तो। हाँ, हम लोग क्लियरली नहीं जानते। हाँ, हम लोग को क्लियरली देख के पता चलता है कि हम नहीं जानते होंगे। यू आर इंटरेस्टिंग, दैट्स बॉडी शेमिंग एंड व्हाट नॉट। ना, व्हाट वी डिड वाज बॉडी शेमिंग अकॉर्डिंग टू यू। बट उसने जो किया है ना, मम्मी को गाली दिया, फिर हम लोग को सेक्सुअलाइज किया, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स, हमारा फेस उसने अपने वीडियो पे डाला विदाउट हमारे परमिशन के, तो वो कुछ नहीं होता। मतलब मम्मी को गाली देना, मम्मी को गाली क्या, रोज देते हैं अपन, रोज सुबह को उठते ही मम्मी को गाली देते हैं। हम तो डायरेक्ट देते हैं, क्या हम खुद देते अपनी मम्मी को? हम तो किसी भी मम्मी को देखते तो गाली देते हैं ना। बॉडी शेमिंग करके तो हमने कसम से मन करता है माँ चोट दें। एंड ये करता है डीपी है, did good with him, he is a cringe content creator, तभी उसका एनिया करता डीपी है। गेमिंग चल नहीं रही तो रोस्टिंग ट्राई कर रहा है, ट्राइंग हार्ड बट कांट लाफ ऑन हिज जोक्स, kudos to you guys, this is clearly some person जो उसके चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहा है, जिसको पता है वो गेमिंग करता है, बिकॉज हमें क्लियरली आइडिया नहीं था। उसके नीचे रिप्लाई आता है लॉयल फैन बेस का, ब्रो ऐसे गेमिंग सबकी ना चले जिसमें 3 मिलियन सब्स हो जाए। भाई ये दोनों कुल मिला के भड़ास निकाल रहे हैं, ऋषभ इज वे बेटर देन देम। ऋषभ मेरे कजिन भाई, भैया का नाम ऋषभ, बट मतलब उसके व्हाई यू डोंट गॉट सब्सक्राइबर्स थोड़े से ऐसे फंड है क्या, मतलब क्यों भड़ास निकाल और ऋषभ पे क्यों निकालेंगे? हां, अभी किसी ऋषभ पे कोई गुस्सा नहीं है, प्लीज गाइस, ही हैव मोर सब्सक्राइबर देन यू।
लकड़ी चिप्पी छोड़ के अपने को वॉमिट हो रहा है ना, ये नो नो करके क्या टाइल डाल के लकड़ी करके उधर जा रहे हैं क्या, क्या हो गया? Bro, your roast isn't funny. Bro, but your DP is very funny. Harsh, my boy. What is up? Take that baseball bat out of wherever it is. Because मतलब it's clearly cutting off some blood circulation. तुम तुम्हारे दिमाग तक चढ़ नहीं रहे. तुम clearly सोच नहीं पा रहे हो. Oh my god. ये शायद से दूसरे देश में चिट्ठी लिखा है अपने पत्नी को. इतना लंबा क्या है ये? हमें कुछ बोलने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसके सब्सक्राइबर्स खुद ही इतने ब्रूटल है. ये सुनो, आई अग्री दैट इट वॉज प्रोबेबली नॉट अ रोस्ट एज वी कैन सी ओनली सम स्लैंग्स एंड देयर इज लैक ऑफ ह्यूमर बट यू गाइस वर आल्सो टू क्रिंज. ब्रिंग हिम वाज ओनली टू बॉडी शेम. यू कुड हैव फाइंड समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ सच क्रिंजी एंड वल्गर स्टैफ्स. ग्रो अप गाइस, ऐसे तो होता है ब्रो. किसको बोला स्टैफ इसने? तुम लोगों को बोल रहा है आई लव वल्गर स्टैफ. किसको बोल रहे हो? वैसे वही है, तुम्हारे माँ बाप को गाली दे रहा है और तुम यूट्यूब पे हो के जब तुम्हारे पास इतना बड़ा आवाज है क्यों नहीं बोलना चाहिए? मुझे नहीं लगता किसी भी सेन इंसान को रुकना चाहिए कि हाँ अभी मेरा कल को और आवाज बढ़ेगा मैं तब जाके बोलूंगा. अरे मॉम डैड तो तुम्हारे खुद के ही है ना, चाहे तुम्हारा एक सब्सक्राइबर हो चाहे एक बिलियन हो. यू हैव टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट व्हाट इज रॉन्ग. तुम्हें क्रिंज लगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगे, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज हमें जो बोलना था हमने वो बोल दिया एंड वो बोलना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन योर अप्रूवल. अपना वैलिडेशन कहीं और लेकर आओ, यहाँ पे क्या दुकान लगा रहे हो? राहुल यादव सेज फर्स्ट लर्न हाउ टू रोस्ट, यू जस्ट डूइंग बॉडी शेम. आई मीन कसम से मन करता है माँ चोट दे. ठीक है, बॉडी शेम नहीं किया ब्रो, अभी तेरे को जैसा सुनने का वैसे ही मैंने बोल दिया. नेक्स्ट, बॉडी शेमिंग वर्कर बहुत बढ़िया. चार बार हाथ उठाया, एक बार गेमिंग चैनल देखो उसका फिर बोलना सर आप तो उसके कैरेक्टर को जज कर रहे हो बस फेस देखकर. अबे यार मैं सबसे पहली बात तो मैं उसका गेमिंग चैनल क्यों है. हाँ मतलब हम ये बहन का रिश्ता लेके जा रहे हैं जो हम उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करेंगे कि लड़का कमाता कितना है, लड़का संस्कार मर्जी कर अपने गेमिंग चैनल पे. तो कल को डिलीट करे तो इंशाल्लाह बहुत ग्रो करे, डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू अस. और उसका फेस देखती तो जज करूंगा ना, उसके पूरे वीडियो में उसका फेस ही दिख रहा है और किसके ऊपर जज करूं? तुमने क्या क्या देखा है उसका जो तुम इतना बोल रहे हो? गोटी गोटी पबजी प्लेयर नॉट रोस्टर. मैंने बोला ना हमें जरूरत ही नहीं है, उसका खुद का फैन बेस ही इतना ब्रूटल है. बट डोंट बॉडी शेम, नॉट वर्थ इट. आई मीन दैट योर आइडल शुड हैव नोन दैट ही इज अ पबजी प्लेयर एंड नॉट अ रोस्टर बिफोर मेकिंग दिस एंटायर बिग एस वीडियो अबाउट रोस्टिंग. तो तुम यही सेम कॉमेंट कॉपी पेस्ट करके उसके चैनल पर चुपकाओ, उसको ज्यादा समझना जरूरी है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है एग्जाम्पल बनने का, किसी को भी एग्जाम्पल नहीं बनना. मतलब है क्या हम दोनों में ऐसा? हम लोग दोनों मियर हमारे 20s में है ना, हम लोग को अभी बस ये करने हैं कि अपने को अच्छा क्रिएटिव चीजें करने हैं और वो क्रिएटिव चीजें तो पैसा कमाने, हमारा यही मोटिव है. उसके बाद तुम हमसे जो लेके जाते हो जो नहीं लेके जाते हो वो तुम्हारा है, हम किसी को बोल नहीं रहे. हम यहाँ पर एक कम्युनिटी के साथ सिर्फ फन करने के लिए बैठे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए बैठे हैं, ना कि किसी के मम्मी पापा बनने के. सच हम खुद के बच्चे पैदा कर ले, हम लोग दूसरे को बच्चों को एक्सपायर इंस्पायर करने का कुछ नहीं है. किसी को एडिट नहीं, नहीं नहीं हम लोगों में कुछ नहीं है ऐसा एग्जांपल बनने वाला. हम सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, उससे तुम अग्री करते हो नहीं करते हो हाँ वो मैटर करता है. सिखा रहे हो इंस्पायर कर रहे हो ये डाल के हमारे ऊपर बोझा मत डालो. एंड ऑनेस्टली अगर तुम लोग
यूट्यूब ब्रो वो बंदा ओपी है, उसका चैनल एक्सप्लोर करना चाहिए तुम्हें, ही इज हसलर। ऑलराइट, आई एम श्योर ही इज अ बिग हसलर। मोको मोको बोलना पड़ रहा, उसका चैनल जाकर चेक कर। अच्छा, वन मोर फैक्ट, उसकी आर्मी तुमसे काफी बड़ी है। मैंने दो दिन पहले इसने मेरे भी दो तीन वीडियोस कमेंट किया था, मैं
मैंने इसको इतना गाली दिया उसके सारे कमेंट्स भी डिलीट किए, मुझे ब्लॉक भी। हाँ? क्या है ये व्हाट्सएप का आइकॉन जो अपने यूट्यूब का आइकॉन लगा सकते हैं, उसको मैं कुछ नहीं बोल सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई कुछ नहीं बोल सकता। इसका तो कैसा सीन है, लास्ट व्लॉग में मैंने ये जो बीच बीच में क्लिप डाल रहा था, मन करता है माँ चोट दे, नहीं डाल रहा था क्योंकि मतलब मेरी भी मम्मी देखती है यूट्यूब, है ना, और मेरी मम्मी के लिए यूट्यूब मतलब बहुत ही हैप्पी प्लेस है, ठीक है। मेरी मम्मी के लिए यूट्यूब मतलब मेरा ब्लॉग, इसका ब्लॉग और थोड़े बहुत कुकिंग चैनल के ब्लॉग, मेरी मम्मी के लिए एकदम ही डार्क साइड ऑफ वेब हो जाएगा, क्यों ये क्या हो रहा है, गाली क्यों पड़ रही, मेरे बेटे को ऐसा क्यों गाली पड़ रही, किसके लिए मैंने निकाल दिया था ये सोचते हैं, पर शायद मेरे से गलती हो गया, मेरे को डाल देना चाहिए था, है ना। पर कोई फिल्म नहीं, मैं डालू नहीं डालू उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह से कमेंट्स मैंने देखे उन लोग क्लियरली बॉडी शेमिंग में और मम्मी डैडी को गाली देने में या किसी को भी अब्यूज करने में फर्क पता नहीं उन लोग के लिए, किसी को भी तुम बड़ा बड़ा माँ बहन के ऊपर से गाली दे दोगे वो चल जाएगा, बट किसी को भी काला गोरा नहीं कर सकता। बट वही है ना कि ये सब चीजें कितनी सेलेक्टिव होती है, तुम काला गोरा नहीं कर सकते हमारे फेवरेट क्रिएटर्स को, बाकी तुम दुनिया को माँ बहन की गाली बको हमें उससे क्या, हम तो हंसेंगे हम तो टिटोली करेंगे। ये वही बात हो गया ना कि तुम सामने से सिर्फ ये चीज नहीं सुन सकते कि तुम्हारा हाइट कम है, मगर तुम लोग ये चीज सुन के ले लोगे मम्मी पे गाली है, तुम्हारी बहन पे गाली है, तुम्हारी मम्मी को ये कर देगी, तुम्हारी बहन को ये कर देगी, और अगर तुम भगवान ना करे लड़की हो तो तुमको ये कर देगी, है ना। अभी कैसे, अभी उसने खुलेआम अपने 3 मिलियन लोगों के आगे हम लोगों को सेक्सुअलाइज कर दिया, अभी ओपनली हम लोगों का कंटेंट, हम लोगों का बॉडीज, हम लोगों का फेस, एवरीथिंग वो सब कुछ 3 मिलियन लोगों के सामने डिस्कशन के लिए खुला है, राइट। उसको ये राइट किसने दिया, मैंने अपना कंसेंट भी दिया, मैं तो अब तक उसका कंटेंट जाके पढ़ा भी नहीं। हाँ एग्जैक्टली, तो वो एक अलग ही दूसरा पोर्टल खुल जाएगा फिर, और हम लोग ने नहीं पढ़ा क्योंकि वो हमारा जगह नहीं, एरिया नहीं, हम लोग को उससे फर्क नहीं पड़ता उसके सब्सक्राइबर्स क्या बोलते हैं या क्या करते हैं। मेरे चैनल पे तुम लोग आके अगर ये कर रहे हो तो मेरा पूरा राइट बनता है, क्योंकि ये मेरा चैनल है, भले ही इट इज ओपन फॉर ओपिनियंस और डिस्कशन, बट अगर तुम्हारा ओपिनियन है तो हमारा भी ओपिनियन है, तुम्हारे लिए फ्री प्लेटफॉर्म है तो हमारे लिए भी फ्री प्लेटफॉर्म है, जस्ट नॉट टेक इट टू डीप, ज़्यादा अपने अंदर नहीं लेते हैं चीज़ों को। बोले यार ये था कि मेरे पास आज कंटेंट भी नहीं था और अभी स्काई भी मस्त ग्रे हो गया है, तो अपन ने मस्त डिस्कशन किया, हिंदी किया, आई होप लोगों को पर्सपेक्टिव मिला, और नहीं मिला तो ऐसे लोगों की कसम से मन करता है माँ चोट दें। अननेसेसरी था ना ये चीज़, उसका वो पूरा वीडियो भी वैसे ही अननेसेसरी, मेरा बोलने का ये पॉइंट है ना, मेरे को तुमसे हार्ड फीलिंग्स है ना, तुमको मेरे से हार्ड फीलिंग्स होनी चाहिए, हम ज़्यादा एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, यू आर जस्ट टू मेक कॉन्टेंट, मेक मनी, हैव फन एंड लीव, सो इसी के साथ आज के लिए अपन ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तुम लोगों को पता तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों को करना है दुआ सबके लिए, अपन तुम लोगों को मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाय, थैंक यू, प्लीज़ बाय।